तो दोस्तों कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को एक्टिवेट हुए कुछ ही समय हुए, लेकिन अभी से कंगना जो है चारों तरफ से छाई हुई है। कहना पड़ेगा कि बंदी बहुत ज्यादा बोल्ड है, लेकिन हर टॉपिक पे अपनी ओपिनियन रखती रहती है और इसी के जरिए जो है सोशल मीडिया में एंटरटेनमेंट चलती रहती है। कंगना जो है वो ट्विटर में शाहरुख खान की तरह आस्क कंगना नाम की एक सेशन किया है और इस दौरान कंगना जैसी है कंगना से वैसी ही सवाल पूछी गई है। जैसे कि कंगना एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन है, इसी वजह से उनके फैंस भी जो है वो भी उनसे कॉन्ट्रोवर्शियल ही सवाल पूछते हैं और कह सकते हो कि उनके फैंस ने कंगना से ऐसा सवाल पूछा जैसे मानो कंगना के दुखते रक्त पर किसी ने हाथ रख दिया हो। कंगना की जिंदगी में दो ऐसे लोग हैं जिससे कंगना बहुत ज्यादा नफरत करती है। एक है ऋतिक रोशन, जिसके साथ कंगना का सो कॉल्ड अफेयर था और बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ, और दूसरा है दिलजीत दोसांझ, जिसके साथ कंगना का ट्विटर में इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि जिसके वजह से सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ गई थी और बाद में तो कंगना का ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो गया। अब एक सोशल मीडिया यूजर ने कंगना से एक सवाल पूछा कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, ऋतिक रोशन या दिलजीत दोसांझ, और इस पर कंगना ने जो कुछ भी कहा है वो बेहद ही शॉकिंग है। कंगना ने कहा कि मैंने बहुत सोचा, कोई एक्शन करता है तो कोई गाने का वीडियो बनाता है, ईमानदारी से कहूं तो मैंने उन्हें कभी एक्टिंग करते हुए नहीं देखा। और आगे कंगना कहती है कि किसी दिन अगर मैं उन्हें एक्टिंग करते हुए देखूं तो मैं बता सकता हूं, अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे बताएं, धन्यवाद। #askkangana। ऋतिक रोशन जिनके कई सारे फैन है, कंगना ने उन्हें नॉन परफॉर्मर कहा है। कंगना कहती है कि उन्होंने कभी ऋतिक रोशन को एक्टिंग करते हुए देखा ही नहीं, और सेम बात दिलजीत दोसांझ के बारे में भी कहती है।